सकते हो, दीसू की किचन हो गई है और सामने कपड़े पड़े हुए बेड पे आपको दिख रहे होंगे, अभी प्रेस करूँगी। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऐसे करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुर्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो आज सैंडविच बनाएगा दीसू, दीसू बनाएगा ना? हाँ भाई, दीसू बनाएगा, आज ये मेरी हेल्प करेगा। और मैंने पहले ही वीडियो एडिट की है, जो वीडियो मार्केट की आपके साथ जाएगी उसमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वीडियो पहले खराब गड़बड़ हो गई थी, बहुत टाइम लग गया था, 6 बजे गए थे, उसके बाद पौधों को पानी दिया और उसके बाद फिर कपड़े उतार के लाई, और अभी प्रेस नहीं किए इसके, स्कूल के कपड़ों पे करनी है पहले, मैं प्रेस करूँगी। और आलू उबलने रख दिए हैं तो आप सबके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर देंगे, और मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ इनकी ड्रेस पे, बाकी सुबह हो जाएगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। और मिलते हैं फिर सब आप सबके साथ थोड़ी देर में, अभी जब आलू उबल जाएंगे सैंडविच बनाएंगे जब। दोस्तों तैयार कर लिया है दीसू ने, और बहुत दिन हो गए होंगे आपको दीसू की कुकिंग देखे हुए, और आज ही यहीं पे बैठ के बनाएगा। अंदर मैं किचन में गह रही थी तो किचन में मना कर रहा था, और यहीं पे बैठ के बनाएगा सैंडविच। जब तक मैं तैयार कर देती हूँ, आलू तो उबल रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है, तो आलू छील के और उसमें जो भी नमक मिर्च मिला के इसे दे दिया जाएगा, फिर बनाएगा ये सैंडविच आराम से बैठ के। दोस्तों अब बनाऊंगी मैं अरवी की सब्ज़ी, और सुबह आप सबके साथ, अब अरवी की सब्ज़ी कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, सीधा आप सबके साथ सुबह सैंडविच शेयर करूंगी, क्योंकि रात में ठीक नहीं है, बच्चों का तो है, बच्चे तो जिद कर रहे थे, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी और रात हो चुकी है काफ़ी। और सुबह मिलते हैं फिर आप सबसे, इसी वीडियो में सैंडविच बनेगा। तो सैंडविच अगर ये आप तड़का लगा के अच्छे से पिट्ठी बना लोगे बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने जल्दी में बनाई है क्योंकि दीसू को और हिमांशी को अभी खानी थी, इन्होंने रोटी नहीं खाई है, हमने रोटी खा ली है जैसे कि आपने देखा है। और पहली बार दीसू ने बनाए हैं इसमें सैंडविच, और किस तरह से बना रहे हैं अभी आप सबके साथ शेयर करेंगे, और कैसे बनेंगे वो भी शेयर करेंगे। और अभी मैं सुबह जब हिमांशी के लिए बनाऊँगी तो मैं इसे अच्छी तरह से तल लूँगी, फिर बहुत अच्छे बनते हैं। और खीरे के भी बनते हैं, खीरे में उसमें मेयोनी वगैरह डाल के बहुत अच्छे बनते हैं, आप सभी बनाते भी होंगे। दीसू ये तो मुझे साफ करना पड़ेगा बेटा, मैं कर दूँगी, प्लेट ले आओ एक। हाँ प्लेट लेके आती हूँ फिर मैं, मुझे तो प्लेट भी लेके आनी पड़ेगी। तो अभी बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आप सबने सब देख ही चुके हो, जब बन जाएगा तब दिखाऊंगी आप सबको। दोस्तों सॉरी, इसी तरह से वीडियो बन रही है, कभी ऐसी बनाऊंगी कभी, सॉरी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन बनी नहीं, तो सॉरी। अभी जैसी भी वीडियो बन रही है, ये पानी के दाग हैं, आप देख सकते हो पानी के दाग लगते हैं, और पूछनी पड़ती है जैसे रह जाए तो इस तरह से हो जाता है पानी यहाँ पे। तो कभी ऐसी वीडियो बनाऊंगी कभी कैसी, और ये पहले रेड हो रहा था अब ग्रीन होने लगा है, तो इसका मतलब बन चुका है और दीसू बना रहा है, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। हाँ तो जब बन जाएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखो, ये इस तरह से आराम से साफ हो जाए पानी का, किस किस के यहाँ इस तरह का पानी है। और दीसू ज़्यादा मत बना ना बेटा, तू और हिमांशी है, मैं तो बस थोड़ा सा चेक करूँगी, आपको सुबह के लिए भी तो बना लेंगे। कोई बात नहीं, सुबह के लिए आलू तो रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं क्या? हाँ मैंने उबाल के अलग रख दिए ना सुबह, मैं बता रही हूँ ना, सुबह से तल के उसमें, और जब बनाऊंगी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी वीडियो नहीं बन पाती ना, सुबह स्कूल जाएगी हिमांशी तो उसके लिए बनाऊंगी, और इसलिए इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, जब ये हो जाएगा फिर शेयर करते हैं आप सबके साथ। ये देखिए, अभी देखिए ओपन करके देखा है तो इस तरह से बन गया है, ये हो गया है वैसे। दीसू अभी और सेकना है, और सेक सकते हो तुम, तो दीसू और सेकेगा अभी। तो दोस्तों हो चुका है ये, और ये देंगे हिमांशी को बीच में से कट करके, और अभी हिमांशी और लगा लेगा, और ये चूल्हे का लेके आया है, चूल्हे के चिमटा में आगे चिमटा बैठे नीचे मत रखिए, लकड़ी का है ना ये, सॉरी आज का है ना। और मिलते हैं फिर आप सभी से, और पहले भी टोस्टर था तो हम रख लेते थे टेबल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब पता नहीं
अभी भी हमने रख लिया है, बाकी देखा जाएगा। ये हाथ से ही तोड़ दिया मैंने, चक्कू की जरूरत तो नहीं पड़ी है इसमें। तो हिमांशी को लेके चलते हैं, ये फोटो ले रही थी मैं इसकी, और हिमांशी को देते हैं और हिमांशी बताएगी खा के कैसा लगा है। हेलो हिमांशी बताओ। गर्म है तो अभी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। कुरकुरे बने हुए हैं बहुत ज़्यादा एकदम से, मैं भी बताती हूँ खा के देखना दीशु। बहुत करारे हैं, बहुत ही करारे बने हुए हैं और बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। तो दीशु तो आज ऐसे लग रहा है जैसे दीशु ने अपनी अलग किचन बना ली हो, और अलग हो गया दीशु अभी से ही, न्यारा रहने लगा, इसे तो खाना बनाना भी आ गया। ये दीशु का स्टाइल खाने का, ये ऐसे ही खाता है, ये ऑन कैमरे और ऑफ कैमरे ऐसे ही खाता है, और हम यूँ ही खा लेते हैं। तो मिलते हैं फिर आप सभी से। देख सकते हो दीशु की किचन हो गई है, और सामने कपड़े पड़े हुए बेड पे आपको दिख रहे होंगे, अभी प्रेस करूँगी। और दोस्तों जैसे कि किसी दिन ज़्यादा काम होता है तो हम भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे क्लीनिंग वगैरह पंखे वंखे साफ़ करने हैं कल, तो एक आध दिन वीडियो नहीं बनता है, तो एक आध दिन ऐसे भी एडजस्ट करना। और आज सैंडविच की मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी शूट नहीं होता, बच्चों के लंच में क्या बनना है और जो भी है। और कपड़े पे प्रेस मेरी अभी तक नहीं हुई है, 10:30 बज चुके हैं, ना किसी के कमेंट का रिप्लाई कर पाई हूँ। काम पहले मैं सोचती हूँ बच्चों को स्कूल भी लेके जाना होता था, ट्यूशन भी छोड़ के आना होता था, और मैं फिर भी मतलब आराम कर लेती थी, और सारा काम टोटल घर का भी था। अब तो फिर भी बच्चा चला जाता है, जैसे कि कुछ लाना होता है कई बार दीशु घर होता है, पहले छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे मार्केट से लेके आनी पड़ती थी, और पूरा घर भी थक तो खैर मैं जब भी बहुत जाती थी, लेकिन फ़ोन देखने का मेरे पास टाइम नहीं होता था। सब कहते हैं ना टिकटॉक टिकटॉक, तो मुझे पता ही नहीं टिकटॉक क्या होता है, बस कभी चलाया तो थोड़ी बहुत देर के लिए व्हाट्सअप जब भी ऑन किया बस व्हाट्सअप, यूट्यूब भी नहीं देखती थी मैं अपना, जब से कोई बोलता है ना कि यूट्यूब हम तो नहीं देखते, तो मेरा भी था, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं जाती थी, मैं कहती थी एक बीमारी है। पर हाँ हमने कुछ किया है तो हमें मेहनत भी करनी है, बगैर मेहनत की कुछ भी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने ठान ली है तो प्लीज़ प्लीज़ उसमें लगे रहिए। बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं जो यूट्यूब छोड़ कर चली गई हैं, मैं नहीं चाहती कि इस तरह से कोई जाए, जैसी भी बने तुमसे वीडियो ज़्यादा मेहनत की नहीं बन रही है, आप अपने काम पे ध्यान दो, काम पे भी ध्यान दो और घर पे भी ध्यान दो। तो दोस्तों आप सबसे लेते हैं विदा, और हम कर लेते हैं प्रेस, और अभी रात के 9:30 बजे हुए हैं, बताओ अभी वो ही बहुत टाइम हो जाएगा। फिर सुबह 7:00 बजे हिमांशी चली जाती है स्कूल। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी। पहले दीशु ने एक ही बनाया था, अब 2 बनाए हैं, 2 सैंडविच, तो बस यही दिखाना था, अब 2 बनाए मैंने अभी देखा, और अब मैं बनाऊंगी। दीशु खा रहा है, यही खा पाएगा, बस एक और रखा हुआ है, दोनों बहन भाई खा रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी से फिर।